हाय, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि एक HTML का पेज क्यों बनाते हैं। HTML का पेज बेसिकली अपने नॉलेज को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए बनाते हैं। HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क होता है। उसके ऊपर हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्लेस करते हैं तो वेबसाइट की सूरत में अवेलेबल होती है। वेबसाइट्स बनाने के लिए हम अपने लेक्चर का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे आज। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये देखा कि एक सिंपल HTML पेज जो कि इंटरनेट के ऊपर रन होती है, उस पेज को बनाने का तरीका क्या था, उसको थोड़ा सा रिपीट भी करेंगे। और नेक्स्ट हमारा आज का जो लेसन है जिसमें हम HTML के डिफरेंट टैग सीखेंगे और उसको रन करके देखेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। HTML का पेज बनाने के लिए आपको जिन टैग्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें मेन टैग HTML का टैग होगा। HTML के टैग को आपने साथ ही क्लोज कर लिया। ये बेसिकली हायरार्किकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें मेन टैग HTML का टैग है, उसके अंदर आप दो टैग्स बनाते हैं जिसके अंदर होता है टाइटल और हेड और टाइटल। दो टैग्स हैं हमारे पास, हेड और टाइटल और दूसरा टैग है बॉडी का। मेन दो टैग जो HTML के डायरेक्ट लाइक करते हैं वो हेड एंड बॉडी है। टाइटल जो है वो हेड टैग के अंदर आएगा। इसके अलावा हेड टैग के अंदर कुछ और टैग्स भी आएंगे जिनको वन बाय वन देखते हैं। टाइटल टैग के बाद जो नेक्स्ट टैग है वो मेटा का टैग है। मेटा टैग के बाद स्क्रिप्ट के बाद स्टाइल और देन लिंक। व्यूअर्स, ये लास्ट लेक्चर का ही रिकैप है। लास्ट लेक्चर में ये सारे टैग्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे। टाइटल टैग का पर्पस क्या है? टाइटल टैग में हम अपनी वेबसाइट की का टाइटल, मेन टाइटल देते हैं जो कि हमारे टैग के ऊपर विजिबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि फर्स्ट वेब पेज, तो यहाँ पे आप देखें, देन हमने ये सेव कर लेना है। लेट्स से यहाँ पर वेबसाइट का नाम रख लेते हैं about.html। व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको सेव करते हुए एक्सटेंशन रखी .html की। तो इस .html एक्सटेंशन की मदद से आप अपनी इस फाइल को वेब पेज के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर रन कर सकते हैं। हमारी ये वेबसाइट, हमारा ये वेब पेज फोल्डर में सेव हो गया। उस फोल्डर का नाम था ऑनलाइन वेब डिज़ाइन कोर्स, जो कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना है ऑनलाइन वेब डिज़ाइन कोर्स। दिस वन, इसको ओपन करें तो आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त तीन पेजेस जो हमने बनाए हैं, होम, इंडेक्स डॉट HTML और अबाउट डॉट HTML। व्यूअर्स, इसको चलाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। आप इसको जस्ट डबल क्लिक करें तो about.us.html का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पेज के अंदर कोई भी कॉन्टेंट नहीं है और इसका जस्ट एक टाइटल मौजूद है। अगर आप देखें, हमने ये की टाइटल दिया था हेड की टैग के अंदर, टाइटल की टैग में। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज ट्यूटोरियल। तो हम दोबारा इसको देखते हैं कि हमने टाइटल में क्या लिखा था। दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज ट्यूटोरियल। तो उसके बाद हम अपने कंटेंट की बात करते हैं। हेड के अंदर जो बाकी टैग्स हैं लाइक स्क्रिप्ट, स्टाइल, लिंक, मेटा, इसको वन बाय वन आगे चल के देखते रहेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है टू स्टडी द अदर टैग्स इन द बॉडी टैग। बॉडी के टैग के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं। ये बेसिकली हमारी वेबसाइट का कॉन्टेंट होता है, वो इंफॉर्मेशन जो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू डिसेमिनेट करना चाहते हैं, लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद होती है। एक बात याद रखिएगा, HTML सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट राइट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। HTML लैंग्वेज से आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं, बट डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। आपको उसके लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट पे काम करना पड़ता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है, हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।
तो शुरू करते हैं अपने बॉडी के अंदर कंटेंट को डालना। देखिए इस वक्त मैं अपना पहला टैग अपनी बॉडी के कंटेंट का लिख रहा हूँ। दिस इज द हेडिंग टैग एंड इट इज हेडिंग वन। हेडिंग वन बेसिकली एचटीएमएल का की हेडिंग का सबसे बड़ा साइज होता है, हेडिंग में से सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और इसके अलावा और भी मजीद 5 लेवल्स होते हैं हेडिंग्स के, जो कि इससे छोटे होते हैं। हम इनको मजीद रिड्यूस कर सकते हैं इन हेडिंग्स को थ्रू H2, H3, H4। अभी हमने H1 का टैग यूज किया। हाँ, इसको चला के देखते हैं। चलाने के 2 तरीकेकार हैं। नंबर 1, अगर आप यहाँ से रन पे जाएँ उसके बाद किसी भी ब्राउज़र पे लॉन्च कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉन्च इन क्रोम करना चाहता हूँ, तो देखिए वही वाला पेज था। दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज ट्यूटोरियल और उसमें भी हमने हेडिंग 1 लिखा। तो व्यूअर्स, हेडिंग 1 लिखने का तरीकाकार पता चल गया। अब हम इसके नीचे कुछ पैराग्राफ्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ को मैं रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग के बाद आपके पास पैराग्राफ भी आ गए। तो व्यूवर्स, ये था हमारा लास्ट लेक्चर का रिकैप। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर्स की दोबारा रिवीजन हो गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। एचटीएमएल के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल लेवल्स होते हैं हेडिंग के, आज हम उन लेवल्स को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस हेडिंग को डुप्लीकेट करूँ, H2 का लेवल देखना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि H2 का जो लेवल है H1 के लेवल से लिटिल बिट छोटा है। तो ये मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग 1 इज़ द बिगर वन बट हेडिंग 2 इज लिटिल बिट स्मॉल। सिमिलरली बहुत सारी आपको बहुत सारे अदर टैग्स भी मिलेंगे हेडिंग से रिलेटेड, वो मैं आपको 1 बाई 1 यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम मज़ीद छोटे लेवल्स हेडिंग के देखना चाहते हैं तो हमें हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 अप टू हेडिंग 6 तक हमें ये ऑप्शन मिलती है। मैं आपको ये तमाम हेडिंग के लेवल्स थ्रू कोड आपको मैं दिखाता हूँ। हेडिंग 4, एंड देन हेडिंग 5। व्यूअर्स एक बात नोट करें कि जो भी टैग आपने ओपन करना है उसको साथ ही क्लोज करें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और कोई टैग ओपन ना रह जाए, उसको साथ ही अपने क्लोज करें। एंड द लास्ट वन इज हेडिंग 6। हेडिंग 6 के लिए आपने H6 का टैग यूज़ करना है। व्यूअर्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि हेडिंग्स के डिफरेंट लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं। हेडिंग 1 इज़ द बिगर वन and heading 2 is relatively small and then it is up to heading number 6। तो ये हेडिंग के मुख्तलिफ लेवल मौजूद हैं। व्यूअर्स, हेडिंग के मुख्तलिफ लेवल्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? अगर आप लोगों ने वर्ड प्रोसेसिंग यानी एम एस वर्ड पर काम किया तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि आपको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग की, मुख्तलिफ नौयत की हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हेडिंग्स बड़े होते हैं, कुछ हेडिंग्स छोटे होते हैं। तो एचटीएमएल में इन ऑप्शन के साथ मल्टीपल लेवल्स के हेडिंग्स मौजूद हैं, आप इनको एज अ टैग यूज़ कर सकते हैं। ये तो थे हमारे हेडिंग्स के मुख्तलिफ लेवल्स। अब हम बात कर लेते हैं अपने मुख्तलिफ कुछ मज़ीद टैग्स के बारे में। हमारा अगला टैग व्यूवर्स है लिस्ट का। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मल्टीपल आइटम्स दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल माय फेवरेट बुक्स या माय फेवरेट स्पोर्ट्स, माई फेवरेट लेट्स से कोर्सेज, तो ऐसी चीज़ जहाँ पर भी आपने कोई लिस्ट शो करवानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बुलेट्स में कुछ लिस्ट शो करवानी है, अगर आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये लिस्ट यूज़ होती है। तो एचटीएमएल के अंदर आइए देखते हैं कि इन लिस्ट को कैसे लिखते हैं। व्यूअर्स, लिस्ट की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हाउ टू कमेंट योर राइटिंग्स इन एचटीएमएल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करता हूँ। व्यूअर्स देखें, ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है इसको मैंने कमेंट किया। दिस इज द सिंगल लाइन कमेंटिंग। इसमें हम
कमेंट करने के लिए कोई भी अगर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जिसको हम ये चाहते हैं ये एग्जीक्यूट ना हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिंट्स, तो हमें इसको कमेंट करना पड़ता है। कमेंट करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपने उसी तरह एंकर ब्रैकेट यूज़ करनी है, उसके बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और आपने दो डैशेस यानी हाइफ़न्स देने, उसके बाद आपने ऑर्डर लिस्ट ये जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है जो कि आप कमेंटेड चाह रहे हैं वो लिखेंगे, उसके बाद इस कमेंट को क्लोज करने के लिए डबल हाइफन और क्लोज एंकर ब्रैकेट। तो ऑर्डर लिस्ट की बात करें, ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले आपने एक मेन टैग यूज़ करना है जो कि ये बताएगा दिस इज द ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट है ओएल, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। रिवर्स ये जो ओएल है ये यहाँ पर ये बताएगा कि आपकी जो लिस्टिंग है वो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड लिस्टिंग से बनाती है कि आपके बुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 6 आई। और ओएल की कैटेगरी के बाद हम यहाँ पर अपने आइटम्स बताएंगे। आइटम्स बताने के लिए आपको बहुत ही आसान है, आप एल आई का टैग ओपन करेंगे और साथ इनको क्लोज कर लेंगे। एल आई के टैग में आपने फॉर एग्जांपल अपना फर्स्ट ऑप्शन लिखनी है, फर्स्ट बुलेट लिखते हैं फॉर एग्जांपल हॉकी, यू आर टॉकिंग अबाउट द फेवरेट माई फेवरेट स्पोर्ट्स, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैराग्राफ में माई फेवरेट स्पोर्ट्स, और यहाँ पे मैं कंट्रोल डी प्रेस करके अपनी इस लिस्ट को मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी पसंदीदा गेम्स में शामिल है हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्पेलिंग के लिए माफ कीजिएगा जो भी होगी वो देख लीजिएगा, चेस, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, फुटबॉल, रग्बी। तो ये मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं इनको मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले करवाया है। तो आए इसको हम रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को और देखते हैं कि ये देखें व्यूवर्स माय फेवरेट स्पोर्ट्स में हमने मुख्तलिफ किस्म की खेल्स गेम्स वगैरह डाली हैं। यहाँ पर मुझे से हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, फुटबॉल, रग्बी एट्सेट्रा। और अगर आप ये पर नोट करें तो ये लिस्टिंग जो है वो ऑर्डर्ड लिस्टिंग है, यानी इसमें नंबर्स आ रहे हैं, यानी इनके बुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऐसी लिस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है जिनको मैं ये चाहता हूँ कि वो ऑर्डर्ड ना हो बल्कि अनऑर्डर्ड हो, तो वो भी किए जा सकते हैं। उनके लिए आप इन सारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी में प्रेस कर रहा हूँ जिससे ये चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी। और दिस इज़ माय अनऑर्डर्ड लिस्टिंग। रिवर्स अनऑर्डर्ड लिस्टिंग में आपको यूएल का टैग देना पड़ेगा एज अ कैटेगरी कि ये टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पर देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर मैं अपने इन्हीं लिस्ट को दिखाना चाहूँ तो वो आप देख सकते हैं कि बुलेट्स की शक्ल में मौजूद है, इसमें नंबर्स नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिस्टिंग। लिस्टिंग की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, डिस्क शेप में भी हो सकते हैं, बुलेट की आप मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं। दिस इज थ्रू द CSS वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। तो उम्मीद है आपको अभी तक के लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल के बारे में अपने सवाल कर सकती हैं। यहाँ पर छोटा सा क्विज होगा, आप क्विज को रिस्पॉन्ड करके हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग फोकस सॉफ्ट्स। थैंक यू। Thank you.